Hello students, how are you all? Hope you all are fine. Today I, Seema Yadav, going to teach you maths of class 5th, and today we are going to discuss chapter number 12. Okay, so chapter number 12 is smart charts. See, Chi Chi Meow Meow. Yamini did a project, animals and birds. She asked each child of her class about one favorite pet animal. यामिनी ने एक प्रोजेक्ट किया है एनिमल एंड बर्ड से रिलेटेड, और वो क्या करती है, अपने क्लास के हर चाइल्ड से उसका फेवरेट एनिमल पूछती है कि वो कौन है. ओके, शी यूज टेलीमार्क्स टू रिकॉर्ड ईच आंसर, और वो हर एक के जवाब के लिए एक टेलीमार्क यूज़ करती है, यानी एक मार्क लगाती है लाइक दैट. ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन सेड कैट, शी पुट वन लाइन लाइक दैट इन फ्रंट ऑफ कैट्स. ओके, सी, जैसे किसी ने कैट बोला तो इसने ये वन लाइन ड्रॉ कर दी. ओके, व्हेन समवन सेड कैट अगेन, शी एडेड अ लाइन, अब इसमें एक और लाइन ऐड कर दिया. सो इसका मतलब क्या है, मींस टू कैट, एंड व्हेन, जब ये बना दिया तो मींस फाइव कैट्स. ओके, इन ऑल 24 स्टूडेंट्स सेड कैट वॉज देयर फेवरेट एनिमल्स. हेल्प यामिनी कंप्लीट द टेबल. अब आपको यामिनी की हेल्प करनी है कि किस स्टूडेंट ने, मतलब कितने स्टूडेंट्स ने, उनका फेवरेट एनिमल कौन कौन सा है, तो टोटल करने में उसकी हेल्प करनी है. ये उसने टेलीमार्क्स बना लिया है. जैसे किसी ने डॉग बोला तो फाइव स्टूडेंट्स ने डॉग बोला, फिर किसी ने बोला तो इसने एक और टेलीमार्क लगाया, और ऐसे करते करते फाइव हो गए. तो इस तरह से इसने टेलीमार्क बनाया, आपको इनका टोटल बताना है. ओके, जैसे टोटल कैट्स के लिए 24 नंबर, यानी 24 स्टूडेंट का फेवरेट एनिमल कैट है. लाइक दैट 5, 10, 15, 20, 25, 30, 31, 32. तो इस तरह से आप ये टोटल करके लिखोगे. ओके, नेक्स्ट, लुक एट द टेलीमार्क्स एंड राइट द नंबर फॉर ईच एनिमल इन द टेबल. How many children in all did Yamini talk to? अब यामिनी ने टोटल कितने स्टूडेंट से पूछा उनके एनिमल्स के बारे में, फेवरेट एनिमल के बारे में. सो टोटल हम इन सबका टोटल करेंगे. सो वॉट वी विल गेट, वी विल गेट 131. ओके, विच इज़ द मोस्ट फेवरेट पैट एनिमल इन दिस टेबल. अब इस टेबल में सबसे ज़्यादा बार जो आया है वो फेवरेट होगा, यानी सबसे ज़्यादा लोगों का फेवरेट होगा, तो वो क्या है, 32 मीन्स डॉग. ओके, so we will write dog is the most favorite pet animal in this table. okay, which pet will you like to have? आप कौन सा pet अपने पास रखना चाहोगे, and what will you name it? which other animals can be kept at home? और कौन से दूसरे जानवर है जो घर पे रखे जा सकते हैं. discuss with your friends or family. okay, you have to write, आप अपनी चॉइस का कोई भी लिख सकते हो, जैसे आई वुड लाइक टू हैव कैट, आई वुड लाइक टू हैव डॉग, लाइक डॉग, लाइक दैट. ओके, नेक्स्ट पेज वी विल डू मेकिंग टेलीमार्क्स ऑन द रोड. समिता स्टूड ऑन द रोड फॉर हाफ एन आवर एंड काउंटेड द नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग बाय. शी मेड अ टेलीमार्क्स फॉर ईच व्हीकल. अब वो रोड पे खड़ी होती है हाफ एन आवर के लिए, और वहाँ से जितने भी व्हीकल पास हो रहे हैं उनको काउंट करती है, और हर व्हीकल के लिए वो एक टेलीमार्क यूज़ करती है. ओके, दिस हेल्प और इन काउंटिंग क्विकली द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स इन एज ग्रुप. और इससे वो इजीली काउंट कर सकती है कि हर तरह की गाड़ियाँ, कौन कौन सी गाड़ी कितनी बार आई गई. ओके, सी, साइकिल, ये टेलीमार्क्स है, और फिर आपको यहाँ पे टोटल करना है. ओके, कार के लिए है, ऑटो रिक्शा के लिए, और फिर आपको टोटल करके यहाँ पे बताना है. सी, राइट द नंबर ऑफ ईच व्हीकल इन द टेबल. वी ऑलरेडी रिटन. हाउ मेनी व्हीकल्स इन ऑल डेड सुमिता सी ऑन द रोड इन हाफ एन आवर. अब आपको बताना है टोटल समिता ने कितने व्हीकल्स देखे. तो इन सबका जब हमने टोटल किया, वी गेट 103. ओके, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स सीन बाय समिता इन हाफ एन आवर 103. ओके, सो द ऑटो रिक्शा आर द थ्राइस नंबर ऑफ ट्रक्स. आपको क्वेश्चन पूछा है ऑटो रिक्शा आर थ्राइस द नंबर ऑफ ट्रक्स.
क्या ऑटो रिक्शा ट्रक से 3 गुना ज़्यादा है? ऑटो रिक्शा कितने हैं? इतने हैं, और ट्रक कितने हैं? इतने हैं, है ना? यानी ये 5 है, 6 है, और ऑटो रिक्शा कितने हैं? 18 है, ओके? यस, ट्रक 6 है और ऑटो रिक्शा कितने हैं? 18. सो ऑटो रिक्शा इज 6 × 18 होता है ना. सो ऑटो रिक्शाज आर थ्राइस द नंबर ऑफ ट्रक्स. इट इज ट्रू. ओके, मेक टैली मार्क्स फॉर 7 मोर बसेस एंड 2 मोर ट्रक्स. अब बसेस कितने हैं? इतने. अब इसमें 7 और ऐड करनी है, 7 बसेस और ऐड करनी है. तो ये 5 का है तो हम ऐसा एक और बना देंगे, और 2 मोर के लिए फिर हम ऐसा 2 लाइन वाला यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. ओके, लाइक दैट. सी 5, 10, 15, 20 और 2 के लिए हमने ऐसा कर दिया. और बसेस के लिए, सॉरी ट्रक के लिए हमें 2 और बनाने हैं. तो ट्रक के लिए ऑलरेडी इतना है, हमें 2 और लाइन इसमें ऐसे ऐड कर देनी है, लाइक दैट. ओके, दिस क्वेश्चन यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. ओके, ट्राई योरसेल्फ. टेक अ राउंड इन योर कॉलोनी, फाइंड आउट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रीज यू कैन सी देयर. आपको अपनी कॉलोनी में एक राउंड लगाना है और बताना है कि कितने तरह के पेड़ आपने देखे. डू यू नो देयर नेम्स? यू कैन मेक ड्राइंग्स, यूज टैली मार्क्स टू नोट द नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रीज. आपको जैसे इसमें लिखा है पेड़ों के नेम्स लिखने हैं और फिर टैली मार्क्स लगाना है कि जैसे आपने नीम का पेड़ देखा वो कितने हैं, अशोका का देखा वो कितने हैं, इस तरह से. ओके, नेक्स्ट पेज वी विल डू हेल्पिंग हैंड्स. इन द प्रीवियस पीरियड द टीचर आस्क्ड चिल्ड्रन वेदर दे हेल्प देयर पेरेंट्स एट होम. देयर वर डिफरेंट आंसर्स. चिल्ड्रन नेम्ड दैट द वर्क इन विच दे हेल्प देयर पेरेंट्स द मोस्ट. इवियस के पीरियड में टीचर ने क्या कहा, बच्चों से पूछा कि वो अपने घर में पेरेंट्स के किन कामों में हेल्प करते हैं. तो सभी बच्चों ने डिफरेंट आंसर दिया. ओके, सो द चिल्ड्रन कलेक्टेड देयर आंसर एंड मेड अ टेबल. द टीचर कलेक्टेड, टीचर ने उनके आंसर को कलेक्ट किया इस तरह से. हेल्प मोस्ट इन हाउस वर्क, गोइंग टू द मार्केट 47 स्टूडेंट्स. यानी बच्चे अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं मार्केट जाकर, 47 स्टूडेंट्स. वॉशिंग यूटेंसिल्स 15, वॉशिंग क्लोथ्स 3, इस तरह से. ओके, सो टोटल चिल्ड्रेन हु सेड दे हेल्प देयर पेरेंट्स 100 स्टूडेंट. ओके, वी हैव टू काउंट इट. ओके, नाउ यू कैन फिल द चपाती चार्ट टू शो द नंबर्स गिवन इन द टेबल. अब आपको ये चपाती चार्ट है, इसको कंप्लीट करना है. जैसे क्लीनिंग द हाउस 10 स्टूडेंट्स थे हमारे पास. ओके, तो हमको ये वाला चार्ट इसमें फिल करना है कि किस पोर्शन में क्या आएगा. तो हम इसी कैसे करेंगे इसको इजीली? देखो सबसे कम है ये, तो सबसे कम क्या है हमारे पास? 3, वॉशिंग क्लॉथ्स. सो यू हैव टू राइट हेयर वॉशिंग क्लॉथ्स. ओके, 3 एंड वॉशिंग क्लॉथ्स. अब सबसे ज़्यादा है ये वाला पोर्शन, तो सबसे ज़्यादा हमारे पास है गोइंग टू द मार्केट. सो वी विल राइट हेयर 47 एंड गोइंग टू द मार्केट. ओके, आफ्टर दैट 47 के बाद ज़्यादा क्या है? 47 के बाद है 25. ओके, मेकिंग एंड सर्विंग फूड. सो वी विल राइट हेयर 25 एंड मेकिंग एंड सर्विंग फूड. सो लास्ट वन, आपके पास क्या बचा अब? 47, 15 बचा, है ना? बिकॉज वी डू इट फॉर 7, 25, 3, and 10. सो 15 वी विल राइट हेयर 15. सो वट इज 15? वॉशिंग यूटेंसिल्स. सो वी विल राइट हेयर वॉशिंग यूटेंसिल्स. ओके, नेक्स्ट प्रैक्टिस टाइम आफ्टर स्कूल. आस्क 10 ऑफ योर फ्रेंड्स अबाउट वाट दे लाइक टू डू मोस्ट आफ्टर स्कूल. अब आपको ये प्रैक्टिस करना है, एक्टिविटी है. क्या करना है आपको? अपने फ्रेंड्स से पूछना है, ओके, कि वो स्कूल के बाद क्या करना पसंद करते हैं. ओके, वाट दे लाइक टू डू आफ्टर स्कूल. ऐसे आपको हेडिंग डालनी है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी कितने चिल्ड्रन हैं. जैसे वॉचिंग टीवी, कितने बच्चे स्कूल के बाद टीवी देखते हैं? 2. प्लेइंग फुटबॉल 3. रीडिंग स्टोरी बुक्स 2. इस तरह से आप करोगे, ठीक है? टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं तो ये टोटल आपका 10 होना चाहिए, है ना? साइकिलिंग कितने हैं? पासिंग इनडोर्स, डूइंग होमवर्क, तो उसमें से आप ये ऐसे एक्टिविटी कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट टॉपिक, एट मैट.
रागिनी लव्स टू वॉच कार्टून्स ऑन टेलीविज़न। रागिनी को कार्टून्स देखना बहुत अच्छा लगता है और सभी चिल्ड्रन को अच्छा लगता है ना कार्टून्स देखना। वन डे शी थॉट ऑफ काउंटिंग द नंबर्स ऑफ एड्स ड्यूरिंग द ब्रेक। उसने क्या सोचा कि जो ब्रेक के दौरान एड्स आते हैं उसको काउंट किया जाए कि कितने एड्स आते हैं। शी फाउंड दैट ईच ब्रेक देयर वर 14 एडवर्टाइजमेंट। उसने काउंट किया कि हर ब्रेक में कितने ऐड आते हैं, 14, एंड इन 10 ऑफ दोज एड्स देयर वर चिल्ड्रन एज एक्टर। और 14 में से 10 एड्स ऐसे होते हैं जिसमें एक्टर कौन होते हैं, बच्चे होते हैं। ओके, व्हाई डू यू थिंक दैट चिल्ड्रन आर यूज्ड इन सो मेनी एड्स। सो आपको ऐसा क्यों, क्या लगता है, क्यों लगता है कि चिल्ड्रंस को ही एड में यूज़ किया जाए, इसके पीछे क्या रीज़न है। ओके, यूज टैली मार्क्स टू काउंट द नंबर ऑफ एड्स ड्यूरिंग अ शॉर्ट ब्रेक इन अ प्रोग्राम। आप जो भी प्रोग्राम देखते हो तो उस प्रोग्राम का नाम लिखोगे और एड के नेम कित कौन सा एड, यानी हर ब्रेक के दौरान कितने ऐड आ रहे हैं, शॉर्ट ब्रेक में कितने ब्रेक आ रहे हैं, जैसे फर्स्ट ब्रेक 5 एड्स, सेकेंड ब्रेक 6 एड, इस तरह से आप कर सकते हो। वर देयर एड्स ड्यूरिंग द न्यूज़ प्रोग्राम। सो क्या ये एड न्यूज़ प्रोग्राम के दौरान भी आता है, यू हैव टू फाइंड आउट। ओके, ट्राई योर सेल्फ। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्राई योर सेल्फ। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू वॉच योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम, काउंट द नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स ड्यूरिंग ईच ब्रेक, यूज टैली मार्क्स, पुट अ डॉट बिलो द टैली। आपको क्या करना है, नेक्स्ट टाइम जब आप कोई भी अपना फेवरेट प्रोग्राम देखो तो आपको एडवर्टाइजमेंट को काउंट करना है, टैली मार्क यूज़ करना है, पुट अ डॉट बिलो द टैली व्हेन यू फाउंड चिल्ड्रन इन एनी एडवर्टाइजमेंट। और जब भी आप देखो कि इस एड में चिल्ड्रन है एज एक्टर, तो उस लाइन के नीचे आप ऐसे, जैसे ये लाइन बनाई है आपने, तो यहाँ पे डॉट कर दो कि मीन्स आपको पता चले कि चिल्ड्रन है एज एक्टर। ओके, कंपेयर विद योर फ्रेंड्स, डू यू गेट डिफरेंट आंसर। और फिर आपकी फ्रेंड्स के साथ इसे कंपेयर करो और आपको पता चलेगा कि ये डिफरेंट है या सेम है। ओके, हॉट एंड कोल्ड। हैव यू सीन द वेदर रिपोर्ट ऑन टीवी और न्यूज़पेपर? दीज आर टू बार चार्ट्स। यहाँ पे ये टू बार चार्ट्स आपको दिए हुए हैं, आपसे पूछा है कि क्या आपने कभी टीवी पे वेदर रिपोर्ट देखी है। दीज शो द हाइएस्ट टेम्परेचर इन 4 सिटीज इन 2 डेज। मतलब कि 2 डेज में ये 4 सिटीज़ है ना, इनका आपको टेम्परेचर बताया हुआ है। कौन सी 4 सिटीज़ हैं? शिमला, बेंगलोर, जैसलमेर, दिल्ली। ओके, फाइंड आउट फ्रॉम द बार चार्ट। और फिर बार चार्ट में से आपको ये क्वेश्चंस देखना है, सॉल्व करना है। ओके, फर्स्ट वन, विच सिटी इज द हॉटेस्ट ऑन 1st June। अब 1st June यानी कि ये वाला पोर्शन है ना, 1st June में आपको बताना है कि कौन सी सिटी सबसे ज़्यादा गर्म है, हॉटेस्ट है। ओके, 1st June में देखना है, तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जिसका होगा वो सिटी सबसे ज़्यादा गर्म होगी, है ना। तो 33, 22, 28, 38, तो दिस वन इज हॉटेस्ट। ओके, सो वी विल राइट हेयर जैसलमेर। नेक्स्ट वन, विच सिटी इज़ द कोल्डेस्ट ऑन 1st December। 1st December को सबसे ठंड, सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ है आपको ये बताना है, कोल्डेस्ट यानी सबसे ज़्यादा ठंड। ओके, 1st December, तो ये है 1st December, और यहाँ पे सबसे कम टेम्परेचर आपको देखना है, जिसमें सबसे कम टेम्परेचर होगा वहाँ पे ही ठंड सबसे कम होगी, है ना। तो देखो ये 25, 24, 10, 23, तो विच वन, 10, शिमला, सो यू कैन राइट हेयर शिमला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी शोज लिटिल चेंजेस इन टेम्परेचर ऑन द 2 days 1st June एंड 1st December, यानी 1st June और 1st December दोनों का मैच करना है और बताना है कि किस शहर में टेम्परेचर में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, चाहे वो जून का टेम्परेचर हो या दिसंबर का हो। ओके, तो आप दोनों टेम्परेचर को चेक करोगे और फिर बताओगे। ओके, हेयर देखो किस में गैप कम है, हमें ये देखना है, तो सिंपल सा है, बेंगलुरु है ये, और यहाँ पे भी बेंगलुरु है ना,
तो ये 28 है या 24 है, तो बेंगलोर का क्या है टेम्परेचर, एक मतलब ज़्यादा चेंज नहीं है. ओके, सो यू कैन राइट हेयर बेंगलोर. ओके, ट्राई योर सेल्फ. ऑन एनी वन डे चूज एनी थ्री सिटीज एंड रिकॉर्ड देयर टेम्परेचर फ्रॉम द टीवी और न्यूज़पेपर. किसी भी दिन आप ऐसा करो कि किसी भी तीन सिटीज़ का, थ्री सिटीज़ का, उनका टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है. ओके, और कहाँ से रिकॉर्ड करोगे? टीवी से आप पता कर सकते हो कि किस शहर का कितना टेम्परेचर है. टीवी में भी न्यूज़ में बताते हैं, न्यूज़पेपर में बताते हैं, है ना. और नेट से भी आप ये सर्च कर सकते हो कि किस सिटी का कितना टेम्परेचर है. ओके, मेक अ बार चार्ट इन योर नोटबुक एंड आस्क योर फ्रेंड्स अ फ्यू क्वेश्चन अबाउट इट. अब आपको एक बार चार्ट बनाना है और उस चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन अपने फ्रेंड को पूछना है और देखना है कि उसको वो चार्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक, रैबिट्स इन ऑस्ट्रेलिया. अर्लियर देयर वॉज नो रैबिट्स इन ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया में पहले रैबिट्स नहीं थे. रैबिट्स वर ब्राउट टू ऑस्ट्रेलिया अराउंड द ईयर 1780, यानी 1780 ईयर में ऑस्ट्रेलिया में रैबिट लाए गए. ओके, एट दैट टाइम देर वर नो एनिमल्स इन ऑस्ट्रेलिया विच एट रैबिट्स. और उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में ऐसे कोई एनिमल्स नहीं थे जो रैबिट्स को खाते थे. ओके, सो द रैबिट्स बिगेन टू मल्टीप्लाई एट अ वेरी फास्ट रेट. अब उनको कोई खाने वाला नहीं था रैबिट्स को, जो बड़े ऐसे जानवर होते हैं ना जो छोटे जानवरों को खाते हैं, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था. तो जो रैबिट्स है वो मल्टीप्लाई यानी बढ़ते गए, है ना, और बहुत तेजी से बढ़ रहे थे वो. इमेजिन व्हाट दे डिड टू द क्रॉप्स. अब ज़्यादा से ज़्यादा ये रैबिट्स हो जाएंगे तो क्रॉप्स को तो थोड़ा नुकसान पहुँचाएंगे ना, ये जाएंगे खेतों में ऐसे, है ना. द टेबल शोज हाउ रैबिट्स ग्रू एवरीवेयर. और टेबल हमें बताता है कि जो रैबिट्स हैं वो कैसे बढ़ रहे हैं. ओके, एवरी ईयर कितना वो उनका इंक्रीमेंट हो रहा है. ओके, सी कैसे इंक्रीज हो रहा है. फर्स्ट ईयर स्टार्टिंग में कितने थे? 10 थे, फिर 18 हो गए, यानी 10 2 जे 20, 20 से थोड़ा कम है 18, है ना. फिर 18 2 जे 36, 36 में 4 कम है ना, 32, यानी डबल से थोड़ा कम हो रहे हैं. ओके, तो हमको बताना है फोर्थ ईयर में इतना है तो फिफ्थ में कितना होगा. तो 108 108 करके और फिर दो चार कम करके यहाँ पे आप लिख सकते हो, क्योंकि डबल से थोड़ा कम ही ये ग्रो कर रहे हैं, है ना, इनकी जो संख्या है वो बढ़ रही है. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर ईच ईयर द नंबर ऑफ रैबिट वाज, यानी हर साल जो रैबिट का नंबर है वो कैसे बढ़ रहा है. अ लिटिल लेस देन डबल द नंबर ऑफ रैबिट्स इन द लास्ट ईयर, के जो लास्ट ईयर है उससे वो डबल हो रहे हैं, बट अ लिटिल लेस, यानी थोड़ा कम डबल हो रहे हैं, है ना. एट द एंड ऑफ ईयर 6 द नंबर ऑफ रैबिट्स वाज क्लोज टू, यानी 6 ईयर के एंड में जो रैबिट का नंबर है वो कितना हो जाएगा. 400 के नियर, 600 के नियर और 800 के नियर. सो यू कैन सी हियर 400 के नियर होगा, है ना. आफ्टर विच ईयर डिड द नंबर ऑफ रैबिट्स क्रॉस 1000, यानी किस साल के बाद नंबर ऑफ रैबिट्स जो है वो 1000 के भी पार हो जाएंगे. तो यू कैन सी हियर सी 850, यानी 7th ईयर, और उसके बाद वाले जो 8th ईयर है उसमें ये 1000 के पार हो जाएंगे, है ना. सो यू कैन राइट हियर 8th ईयर में तो हो ही जाएंगे, तो यू कैन राइट हियर 7th ईयर. आफ्टर 7 ईयर पूछा है ना, सॉरी आफ्टर विच ईयर, तो 7th ईयर, यानी 7th ईयर के बाद जो नेक्स्ट होगा 8th ईयर, उसमें ये 1000 को क्रॉस करेंगे. ओके, नेक्स्ट टॉपिक, फैमिली ट्री. माधव वेंट टू अ वेडिंग अलोंग विद हिज पेरेंट्स, ही मेट मैनी रिलेटिव्स देयर. वहाँ पे वो कहाँ गया, वो शादी में गया माधव, और वहाँ पे उसने अपने बहुत सारे रिलेटिव्स को देखा, उनसे मिला, है ना. बट ही डिडेंट नो एवरी वन, बट वो सबको नहीं जानता था माधव. ओके, ही मैट हिज मदर्स ग्रैंड फादर, यानी वो अपने मदर के दादाजी से मिला, है ना, अपनी माँ के दादाजी से मिला. बट फाउंड दैट हर ग्रैंड मदर इज़ नॉट अलाइव, और उसे पता चला कि उसके उनकी मम्मी के सिर्फ दादाजी हैं, दादी उनकी मम्मी की नहीं है, है ना. ही ऑल्सो फाउंड दैट हर दादीज मदर, यानी उनकी दादी की मदर है बट उनकी दादी नहीं है
है ना, जैसे जो माधव है उसकी मम्मी की कौन नहीं है, दादी नहीं है, बट दादी की मदर है, सो है ना, एंड इट्स मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड, और वो 100 ईयर्स ओल्ड से भी अप है, होगी ना, बिकॉज दादी की मदर है ना, और उस माधव की दादी की नहीं, माधव के मम्मी के दादी की मदर है वो, तो 100 ईयर्स से तो अप होगा, है ना। माधव गॉट कन्फ्यूज, ही कुडंट इमेजिन हिज मदर्स ग्रैंड मदर्स मदर, है ना, उसको ये समझ ही नहीं आ रहा था, वो कन्फ्यूज हो रहा था। सो माधव मदर मेड अ फैमिली ट्री फॉर हिम, तो उसने क्या बनाया, फैमिली ट्री बनाया उसके लिए, है ना, और उसको समझाने के लिए फैमिली ट्री बनाया उसने। सी दिस वन माधव एंड माधव्स फादर मदर, अब माधव की मदर ये है, अब माधव की मदर के फादर मदर, है ना, अब इनके मदर के फादर मदर, है ना, यानी ये शोभना है ना, माधव की मदर का नाम है, तो शोभना के ये नाना नानी हो गए और ये दादा दादी हो गए, है ना, अब ये दादा दादी इसके पापा के हुए, है ना, शोभना के ये नाना नानी और इसके पापा के ये दादा दादी, है ना, अब इसके पापा के ये देखो, शोभना इज दादी इज मदर, यानी शोभना की जो दादी की मदर है, यानी ये जो दादी है इनकी मदर, है ना, ओके सी। और ये कितनी जनरेशन है यहाँ पे वो भी दी हुई है, फर्स्ट जनरेशन में माधव है, सेकंड जनरेशन में माधव के पेरेंट्स हैं, थर्ड जनरेशन में उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, यानी ये सॉरी ये नहीं, ये होंगे ना इसके ग्रैंड, माधव के ग्रैंड पेरेंट्स, ये माधव के मम्मी पापा और ये इसके नाना नानी, है ना, तो ये इसके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, ओके। और फिर फोर्थ में ग्रैंड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, यानी ये हो गए ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ओके। और फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, तो ये हो गए ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ओके। सी आवर क्वेश्चंस, माधव्स मदर हेल्प्ड हिम अंडरस्टैंड हर फैमिली विद द हेल्प ऑफ दिस ड्राइंग। यू कैन ऑल्सो फाइंड अबाउट योर ओल्डर जनरेशन यूजिंग सच अ फैमिली ट्री। क्या आप फैमिली ट्री का यूज़ करके आप भी अपनी जनरेशन्स को समझने में और अपनी जो ग्रैंड ग्रेट पेरेंट्स हैं, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको जान सकते हो, समझ सकते हो, रिलेशंस को समझ सकते हो, है ना। सो फर्स्ट वन आवर क्वेश्चन इज, हाउ मेनी ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल डज शोभनास हैव। अब शोभना के कितने ग्रैंड पेरेंट्स हैं। सी शी इज शोभना, सॉरी शी इज शोभना, है ना, तो इसके कितने ग्रैंड पेरेंट्स हैं शोभना के। ये देखो शोभना की ये मदर हो गई, ये फादर हो गए, और ये इसकी नानी और नाना और फिर दादा दादी, है ना, तो कितने हो गए, फोर हो गए इसके ग्रैंड पेरेंट्स, ओके। सो यू कैन राइट हेयर फोर, हाउ मेनी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल डज माधव्स हैव। अब माधव के ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स कितने हैं, माधव के ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, माधव के ये फिर ये फिर ये, तो टोटल कितने हो गए, 8 ग्रैंड पेरेंट्स, ओके। हाउ मेनी एल्डर्स विल बी इन द 7th जनरेशन ऑफ हिज फैमिली, यानी 7th जनरेशन में कितने एल्डर्स होंगे, तो ये हमें देखो 5th जनरेशन तक दिया हुआ है ना, तो 7th जनरेशन में कितने हो जाएंगे, इन सब के आप कर दोगे, यानी इसके भी दो मम्मी पापा, इनके दो मम्मी पापा, इनके दो मम्मी पापा, है ना, इस तरह से, ओके। जैसे हमसे पूछा है कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स कितने हैं, 8 हैं, है ना, तो उसके 7th जनरेशन में कितने एल्डर्स होंगे, तो हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे, क्योंकि हमें 5th तक दिया हुआ है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज इसके ये दो मम्मी पापा, फिर इसके ये दो, इस तरह से दो दो बढ़ते जाएंगे, है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, 6 में हो जाएगा 16, 6 में 16 हो जाएंगे, और 7th जनरेशन में 32 हो जाएंगे, ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ही टेक्स हिज फैमिली ट्री फॉरवर्ड, इन विच जनरेशन विल ही फाइंड 128 एल्डर्स। यानी अगर वो अपने फैमिली ट्री को और बड़ा करता है, तो किस जनरेशन में उसको
टोटल 128 एल्डर्स मिलेंगे। तो हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जैसे 32 आया, फिर 32 को 2 से करेंगे तो 64, फिर 64 को 2 से करेंगे, है ना। तो इस तरह से हमें 128 मिल जाएगा। ओके, सो नाइन्थ जनरेशन यू कैन सी। ओके, क्योंकि सेवन्थ में 32 थे, एट्थ में 64 हो जाएंगे और फिर नाइन्थ में 128 हो जाएंगे। सो यू कैन राइट हेयर नाइन्थ जनरेशन। ओके, नेक्स्ट ग्रोथ चार्ट ऑफ अ प्लांट। सी, अमित शोड अ फ्यू सीड्स ऑफ मूंग दाल इन द ग्राउंड। अमित ने कुछ मूंग दाल के सीड्स ग्राउंड में बोए हैं। द हाइट ऑफ द प्लांट्स ग्रू टू 1.4 सेंटीमीटर इन द फर्स्ट 4 डेज। यानी फर्स्ट 4 डेज में उसकी हाइट कितनी हुई है, जो बीज बोए थे वो पौधा निकला तो 1.4 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट इज स्टार्टेड ग्रोइंग फास्टर, और फिर धीरे धीरे वो जो पौधा है वो बड़ा होने लगा। अमित मेजर द हाइट ऑफ द प्लांट्स आफ्टर एवरी 4 डेज, यानी हर 4 दिन के बाद वो उस जो पौधा है उसकी हाइट को मेजर करता था कि ये कितना बड़ा हुआ। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू लुक एट द डॉट मार्क्ड ऑन द 4th day, यू कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड स्केल दैट इट इज 1.4। यानी आप डॉट से, जैसे यू कैन सी हियर, ये क्या करता गया, चार्ट बनाता गया, ये इसकी लेंथ हो गई, है ना, दिस वन इज लेंथ और ये डेज 4th day, फिर 8th day, 9th, 12th day, हर 4 दिन के बाद ये मेजर करता था। तो 4th दिन इसने 1.5 यानी 1, फिर यहाँ से ये जो छोटी छोटी लाइनें हैं इसको काउंट करेंगे तो 1.4 सेंटीमीटर था ना फर्स्ट वन, तो इसने यहाँ पे डॉट लगा दिया। फिर दूसरी बार नापा तो जितना था उसको यहाँ पे डॉट लगा दिया। ओके, यानी हर बार इसने डॉट नापा और ये डॉट लगाता गया। ओके, नाउ लुक एट द हाइट ऑफ ईच डॉट इन सेंटीमीटर, चेक फ्रॉम द टेबल इफ ही हैज मार्क्ड द डॉट्स करेक्टली। यानी आपको चेक करना है कि ये जो मेजरमेंट है ये इस चार्ट पे करेक्ट है या नहीं। सो यू कैन काउंट एंड चेक, ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट फ्रॉम द ग्रोथ चार्ट। अब आपको ग्रोथ चार्ट देखना है, बिटवीन विच डेज डिड द लेंथ ऑफ द प्लांट चेंज द मोस्ट। यानी कौन से दिनों में जो प्लांट की लेंथ है वो चेंज हुई है सबसे ज़्यादा, है ना। सी हियर चार्ट, अब देखो 0 से 1.4, फिर कितना गैप हुआ, 1.4 के बाद 5 पे पहुंच गया, यानी लगभग 4, है ना, फिर 5 के बाद 6, 7, 8, 9, फिर से 4 इंच, लगभग 4 सेंटीमीटर, है ना, फिर 10 और 10, यानी सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ हुई है, 4th day और 8th day में। ओके, सो यू कैन राइट हेयर, सॉरी, हाँ ये ना हमने, ये देखो 8 और 12, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे आने में 4 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ पे आने में भी 4 सेंटीमीटर, है ना, सो 8 और 12th day। वट कुड बी द लेंथ ऑफ दिस प्लांट ऑन द 14th day। अब 14th day पे इस प्लांट की लेंथ कितनी है, तो देखो 14th day पे ये 12th पे 9.5 है ना, और 16 पे 10.2 है, तो इसके बीच में ही होगा, है ना, 9.8 और समथिंग लाइक दैट। ओके, देखो हमारे पास ऑप्शन है 9.9, 8.7, यानी हमको क्या करना है, 10.9 से कम लेना है, सॉरी 10.2 से कम लेना है और 9.5 से ज़्यादा लेना है, तो 9.5 से ज़्यादा तो यही है, है ना, सो हम इसको टिक करेंगे। ओके, विल द प्लांट कीप मूविंग ऑल द टाइम, क्या जो प्लांट है वो एनी टाइम मूव करता रहता है। वट विल बी द इट्स लेंथ ऑन द 100th day, मेक अ गैस। जो प्लांट है वो मूव तो नहीं करता, उसको एक जगह लगाते हैं तो वो उसी जगह रहता है ना, और इसकी लेंथ क्या होगी 100th day, यानी 100th day पे इसकी लेंथ क्या होगी। तो आप ये एक्टिविटी करके देख सकते हो और फिर आप उसको फॉलो करो, इसका मेजरमेंट करो और फिर आपको ये पता चलेगा कि कितनी ग्रोथ हो रही है कौन सी डे पे। ओके, सो हियर योर 12th chapter इज़ फिनिश्ड। ओके, थैंक यू।